तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और इस मौके पर लगातार सभी जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लखनऊ में भी कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव सीडीएस मिश्रा जी, पुलिस महानिदेशक सीडीएस सोहन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासन, पुलिस के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी सामान्य जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन अनेक कार्यक्रमों के साथ उत्साह उमंग के साथ मना रहा है और इस अवसर पर मुझे भी आप सबके साथ इस छायाचित्र प्रदर्शनी में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 8 वर्ष के अंदर जो योगदान दिया है वह हम सबके लिए इसलिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है कि जब भारत की वर्तमान विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इस विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है वह इस देश के अंदर उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आजादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति इस बारे में अनुमान कर सकता है जब शासन की योजनाओं में जन की भागीदारी के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित अपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी और मुझे लगता है कि वो एक पंक्ति पूरे भारतवासियों को और पूरी विश्व मानवता को भी बरबस अपना ध्यान आकर्षित करती है जो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, यानी सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है और सर्व मूलम च वैभवम, यानी श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। यह पंक्ति बहुत कुछ कह देती है। सामर्थ्यवान वही हो सकता है जहां एकता होगी,
जहां पर पंच प्रण के साथ जुड़ने का एक संकल्प होगा। पंच प्रण विकसित भारत के निर्माण का, विरासत के प्रति सम्मान का, आपसी एकता का, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का, और हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करें तो आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि हमारे शिल्पकारों ने, हमारे कारीगरों ने जो कुछ किया है उसमें श्रेष्ठता का भाव कैसे हो, जिसमें हम लोगों को अपने देश के निर्यात को बढ़ाने की सामर्थ्य तो हो और आयात को कम से कम करके हम विदेशों पर निर्भरता अपना न्यूनतम कर सकें, और उसी श्रेष्ठता के भाव को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसान बीमा योजना हो, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृवंदना की योजना, समाज जीवन के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर के बनी हुई योजनाएं, जनधन अकाउंट से प्रारंभ होती हैं और ये चलते चलते आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक नागरिक के जीवन में बिना किसी भेदभाव के परिवर्तन करते हुए हम इस योजनाओं का लाभ देख सकते हैं। इसने भारत की सामर्थ्य की पहचान वैश्विक मंच पर दी है और यही कारण है पूरे भारत में एक नया विश्वास जागृत हुआ है। तो वैश्विक मंच पर भी आज कोई निर्णय ऐसा नहीं जो भारत की अनदेखी करते हुए कोई देश कर सके, विश्व समुदाय कर सके, यही भारत के सामर्थ्यवान सामर्थ्य की एक परीक्षा है। ये वही कसौटी है जो हम सबको अपने नागरिकों के प्रति विश्वास का भाव पैदा करता है। दुनिया के अंदर हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के अंदर तक देखा है कि दुनिया के अंदर लोगों ने भले ही अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने ही अनुशासन को क्यों न माना हो, लेकिन जब उन देशों में कोरोना कालखंड में लॉकडाउन की बात आई तो उन सबका अनुशासन डगमगा गया, लोग सड़कों पर उतर गए। भारत अकेला देश था जहां पर कोरोना कर्फ्यू की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। भारत अकेला देश था जहां पर लॉकडाउन का पालन भारत के सभी नागरिकों ने पूरी मजबूती के साथ किया, और भारत अकेला देश था जिसने रेवड़ी नहीं बांटी लेकिन आम जन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई और 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। भारत अकेला देश था जो कोरोना में सबसे घनी और सबसे बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद कोरोना कालखंड में डगमगाया नहीं बल्कि पूरे धैर्य के साथ पूरी मजबूती के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। इस सब का श्रेय जाता है देश के यशस्वी नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व को जिसका उपयोग भारत विगत 8.5 वर्षों से कर रहा है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में भारत इस लंबी यात्रा के लिए आज आगे बढ़ रहा है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि जब हम अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हैं तब
उस ब्रिटेन को जिसने हम पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया उसे पछाड़ करके भारत आज दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था भी बना है। इन स्थितियों में हम सबको प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। चित्र प्रदर्शनी जो सूचना विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने यहां पर लगाई है, विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को यहां पर लाने की व्यवस्था, अलग अलग तबके के नागरिकों को इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जोड़ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से उन सबको अवगत कराने की दिशा में अच्छे प्रयास होने चाहिए। चित्र प्रदर्शनी के लिए मैं उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रमुख सचिव सूचना और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने इन कार्यक्रमों के साथ जहां पर सरकारें हैं, सरकारें भी उन कार्यक्रमों के साथ अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ रही है। आज रक्तदान शिविर का एक महाअभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और मेरा अनुमान है कि सायंकाल जब आंकड़े आएंगे तो देश के अंदर सबसे अधिक रक्तदान का टारगेट भी उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश के युवा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। कल आरोग्य मेला प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है, आरोग्य मेला के कार्यक्रम के साथ पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस आरोग्य मेला का आयोजन भी होगा। अलग अलग तिथि पे अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 52वीं जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इस श्रृंखला आगे बढ़ती हुई 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 52वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ सभी आयोजन होंगे। सेवा पखवाड़ा का ये कार्यक्रम 15 दिनों तक अनेक प्रकार के प्रेरणादायी आयोजनों के साथ जुड़ करके प्रत्येक देशवासी के अंदर सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक भाव पैदा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। मैं आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से अपने हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन और यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए पूरे प्रदेशवासियों को भी, चूंकि उत्तर प्रदेशवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सेवा और सुशासन के इस पूरे कार्यक्रम के साथ नजदीक से जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी की मंगल कामनाओं के लिए। निश्चित रूप से मान